हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ विदेश दौरे से लौट आए हैं। उन्होंने अपने इस विदेश दौरे को सफल बताते हुए कहा कि इस दौरे से प्रदेश को आगे ले जाने में काफी मदद मिलेगी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के दौरे को बेहद सफल करार दिया। उन्होंने दावा किया कि इस दौरे के अनुभव से प्रदेश को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, फूड सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिहाज से विदेश दौरे के दौरान काफी कुछ सीखने को मिला। उन्होंने ऑर्गेनिक खाद में स्टैंडर्डाइजेशन किया है। हमारे यहाँ भी ऑर्गेनिक खाद वर्षों से प्रयोग होती है, लेकिन एक अनुभव के आधार पर प्रयोग होती है। उसमें अभी कुछ मानक नहीं है, स्टैंडर्ड्स तय नहीं है। फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी, बायो सिक्योरिटी, इसमें अच्छा काम है। उनकी मॉडिक यूनिवर्सिटी के साथ हमारा इस बारे में MOU साइन हुआ है कि नाइट्रोजन का उपयोग करते हुए अपने अनाज को खराब नहीं होने देते। इसके अलावा धनखड़ ने बताया कि डेयरी फार्मिंग में हरियाणा को अगले पायदान पर पहुंचाने में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तकनीक और सहयोग से काफी मदद मिलेगी। प्रति पशु दूध उत्पादन ऑस्ट्रेलिया 15 लीटर है, हमारा 6.3 लीटर है और न्यूजीलैंड का 17 लीटर से भी अधिक है। चारे में, जेनेटिक्स में और डेयरी मैनेजमेंट में, इसमें भी हम कैसे आगे बढ़े, इसकी एक योजना उस नाते से बनी है। डेयरी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी और न्यूजीलैंड की फोनटेरा डेयरी हमने विजिट की, जो अकेले 90 लाख लीटर दूध को डील करती है। कैबिनेट मंत्री के मुताबिक फिजी को कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए भारत से सहयोग की दरकार है। चंडीगढ़ से कुलबीर दीवान, जी मीडिया।